आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में क्या दिया गया, आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो ए की लंबाई है ये बी की लंबाई का कितना है, ये 5/8 है। क्या करना आप इसका, यहाँ से 5/8 कर लीजिए, ये इसके क्या है, बराबर है। फिर क्या कहा गया, बी की लंबाई से ए की लंबाई का क्या पूछा, अनुपात पूछा है। ठीक है, तो जो जिसमें का लगा हुआ ये हमारा नीचे रहेगा। ठीक है, आपको ए बी वाला टर्म एक साइड करना है और जिसमें का लगा हुआ वो आपका नीचे रहेगा। ए में का लगा तो क्या करना, आपको ए नीचे रखना, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये आएगा, तो इधर कितना जाइए तो बी बटा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब करने के ए को मैं इधर ट्रांसफर कर देना तो ये 8 हो गया और ये 5 इधर है, कितना ये इतना हो गया। ठीक है, तो अनुपात पूछा तो क्या करें, आप इसको इस तरह से लिख सकते, क्या अगर कहीं पे ये चीज लिखा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 8/5 लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। आप इसको भी तो लिख सकते हैं, यहां से कितना जी बी अनुपात ए हो गया, अर्थात आपको पता चल गया कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना आ जाएगी, इतना आएगा, आपका ये क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा है, 8/5, तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। आप इस चीज को इस तरह भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, बी अनुपात ए हो जाएगा और इसको क्या कर लेंगे, इसकी जगह कर लेंगे, तो यहां से कितना ये 8/5 हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, फिलहाल हमको इसका मान पता करना, तो हमारा मान पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा एलसीएम 62 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एलसीएफ होता है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है इतना है, तो क्या कर सकते हैं आप इसे, इतना रख सकते हैं, यहां से रख लीजिए 35,800, कितना ये 28 हो जाएगा। एलसीएम पूछा तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए और एलसीएफ का मान आपको दिया है कितना, ये 62 है। अब कि 13 से ये भी कटेगा और 13 से ये भी कटेगा, अगर 13 से काटा है तो देखिए 13 ये 13 × 26 हो गया, इसको मैं काट दू कितना 13 × 26 हो गया, और ये 13 से अगर आप इसको पूरा काटे कितने कटिए, इतनी बार में आपका ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब कि 2 से ये कट रहा है क्या, तो काट के छोटा कर लीजिए। अब यहां से अगर काट दो कितना, 2 × 1 = 2 हो गया और 1 × 2 = 6 हो गया, 1 इधर गया, 2 × 7 = 14 हो गया और 2 × 8 = 16 हो गया, अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आएगा 13/78 आएगा। तो देखिए कौन सा उसमें मैच करा, 13/78, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर द्वारा समझा रहा हूं, इसमें कहा गया अगर मैं मान लो ये कोई दीवार बनानी है, ठीक है, अगर ये कोई दीवार बनानी है, अगर ये दीवार मैं किससे बनाऊ, अमन से बनाऊ, तो ये अमन इसे कितने दिन में बनाने के लिए कह रहा है, ये 9 दिन में बनाने के लिए कह रहा है। अगर यही दीवार मैं किससे बनाऊ, अजय से बनाओ, तो ये कितने दिन बनाने के लिए कह रही है, कितने दिन में बनाने के लिए कह रही है, 12 दिन में बनाने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि हमसे अगर क्या करें, अमन और अजय दोनों मिलकर साथ साथ इस दीवार को बनाएं तो कितने दिन बनाएंगे, आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर दोनों क्या करें, मिलकर कार्य करें, तब ये कार्य कितने दिन समाप्त करेंगे, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैंने ये क्वेश्चन समझाने के लिए फिगर बनाया, वैसे फिगर को आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अमन जो है, अमन कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 9 दिन में करने के लिए कह रहा है। फिर अजय जो इस दीवार को कितने दिन में बनाने के लिए कह रहा है, ये कितने दिन में, 12 दिन में बनाने के लिए कह रहा है। तो करने के आपको दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्कशन में जाकर आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर इसका एलसीएम निकाले कितना, 3 से ये भी कटेगा 3 से ये भी कटेगा, तो कितना ये इनके एलसीएम कितना, ये 36 है। जैसे आप एलसीएम में आपको क्या पता चले, टोटल कार्य आपको पता चल जाए। ठीक है, टोटल कार्य कितना है आपको ये पता चलिए। एलसीएम लेने के बाद करने के इससे इसमें भाग दीजिए, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि अमन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, और अजय एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो पूछा कि दोनों मिलकर, अगर मैं यहां से दोनों के कार्य मिला दूं
तो दोनों मिलके एक दिन कितना काम करेंगे, ये 7 काम करेंगे, करना कितना है 36। तो इससे आप भाग दे दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर भाग देंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया, बचा कितना 1, 1 में 7 से भाग जाएगी नहीं, क्या करिए आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस दीवार को कितने दिन बनाएंगे, 5 सही 1/7 दिन में बनाएंगे। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज इतने रुपए में बेचता है, उससे 25% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसका एक लाइन में सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मैं मान लो जो भी वस्तु रही होगी, ठीक है, जो भी वस्तु रही इसका मूल्य अपने आप में क्या रहोगा, 100% रहोगा, इसका क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहोगा। अब ये कर क्या है, इसको 25% की हानि पर ये बेच रहा है, अगर ये 25% हानि पर ये बेच दे रहा है तो दाम कितने का ये ले रहा है, आप बता सकते हैं, इसमें से घटा दीजिए तो कितने परसेंट का ये दाम ले रहा है, ये 75% का दाम ले रहा है, और रुपए में कितने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में, तो कह सकते हैं परसेंटेज में इतने परसेंट का दाम ले रहा है और रुपए में इतना ले रहा है, कह सकते हैं इसके बराबर होगा। आप यहां से क्या कर लीजिए, इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या कर लिया, यहां से बराबर कर लिया। अगर 75% बराबर इतना है, अगर मैं इससे क्या कर दू, इसमें भाग दे दू, अगर मैं इसमें भाग दे तो ये मुझे क्या पता चले, पूरा 1% का माना गया, ठीक है, अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या पता चले, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, इस वस्तु का क्या गया, क्रय मूल्य आपको पता चले कितने रुपए में उसने वस्तु को खरीदा था। अब पूछा गया उसे कितने रुपए में बेचा जाए, उसे क्या 25% का लाभ हो जाए, अगर इसका क्रय मूल्य आ गया 100%, तो करने के आप डायरेक्ट इसका क्या करिए, 25% का लाभ चाह रहे हैं, इसका क्या करिए, डायरेक्ट यहीं पे 125% आप निकाल दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो 100 से 100 यहाँ से रिजेक्ट हो गया, अब 25 × 3 = 75 हो गया, और 25 × 5 = 125, अगर मैं इसको यहाँ से काट दू, 3 × 1 = 3 हो गया, और 3 × 4 = 12 हो गया, यहाँ से गुणा कर कितना जाइए, ऊपर यहाँ से 14 × 25 कितना जाइए, 70। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, 7000 रुपए में बेचा जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक लाइन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कहा कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है, तो जो भी मेज का क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, ये आपको कंफर्म है। जब वो 25% की हानि पर बेच रहा है तो दाम कितने है, 75% का, तो कह सकते हैं आपको ये 75% है, इसमें 75 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा कर लीजिए। मैंने क्या बताया आपको, इसमें 75 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करना आपको, गुणा कर लीजिए। ये क्या पता चला आपको, मेज का क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अगर ये मेज का क्रय मूल्य पता चल गया, ये चाह क्या रहे हैं, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए, तो करने के आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करिए, 125% आप निकाल दीजिए, ठीक है। अब करने के इसको सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें इसका मान कितना जाएगा, 7000 रुपए आ जाए, ठीक है, आप ये क्या गया, आंसर आ गया। तो बेहतर है कि आप क्या करें, इसको इस तरह से करिए, आप इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से मैंने आपको समझाने के लिए किया, आप क्या करें सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अमन एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना हुआ, आपसे ये पूछा है। इसमें क्या पूछा है, पोशाक का क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो भी पोशाक का क्रय मूल्य रहा अपने आप में क्या रहा, 100% रहा होगा, जब ये इसको इतने रुपए में बेच रहा है तो क्या हो जा रहा है, इसको 20% का लाभ हो रहा है, तो कह सकते हैं इसमें 100% तो जो क्रय मूल्य शामिल है प्लस इसमें क्या 20% का लाभ शामिल है, कह सकते हैं आप ये पूरा 120% है क्या, इसमें 120 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने वो क्या बताया, 1440 में क्या करना, आपको 120 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर ले, तो क्या पता चले आपको, उस क्या पता चले, पोशाक क्रय मूल्य आपको पता चले, यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ से काटे कितना, ये 12 बार में कटिए, यहाँ से गुणा कर ले कितना, ये 1200 रुपए। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस पोशाक का क्रय मूल्य कितना, ये 1200 रुपए। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपसे क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है लंबाई चौड़ाई कितनी, दोगुनी है, अगर लंबाई को एल से इंडिकेट कर दे रहे और चौड़ाई को बी से इंडिकेट कर दे रहे, तो कहा कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है,
यानी ये क्या है, दोगुनी है। तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसमें दो से भाग दे दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं आप इसका दोगुना कर लीजिए, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से दिया कि आयत का परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है कि आप पूरा लिख लिया, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो यहां से टू ब्रेकोष्टक में एल प्लस बी, यही तो होता है आयत का परिमाप, यही होता है। अब कि क्या पता आपको जहां पे L है इसलिए कितना रख सकते हैं, जहां पे L है इसलिए कितना 2 भी रख सकते हैं क्या, तो रख लीजिए यहां से, इसके यहां से 2 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 2B हो गया, और पहले से एक B है, और आयत का परिमाप क्वेश्चन में दिया गया कितना ही है, इतना 24, आप क्या कर सकते हैं इसके 24 रख सकते हैं, तो यहां से आप रख लीजिए। अब देखिए यहां से कटिए तो काटते छोटा के लिए कितने में कटिए, 12 बार में कटिएगा, अगर मैं इसको यहां से जोड़ू तो ये कितना मिलेगा मुझे, 3B मिल जाएगा, 3B मिल जाएगा, यहां से कितना ये 12 हो गया, अगर मैं इसको यहां से काट दो कितने में कटिए, 4 बार में कटिएगा, अर्थात आपको ये पता चल गया कि आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर आ गई तो लंबाई भी पता कर सकते हैं, आपको बी का मान कितना 4 है, यहां से 4 दुना कितना हो जाए 8 हो जाएगा, अर्थात लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर अभी इतना, तो पूछा कि आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, आप पूरा लिखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो था लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपको पता है और चौड़ाई भी पता है, इन दोनों का आपस में गुणा कर ले आपको क्या जाएगा आंसर, तो 8 × 4, अगर आप यहां से गुणा कर ले कितना, तो 8 × 4 = 32 हो गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात आप बता सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, तो आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट में ये कि 1 से 100 के अगर मध्य पूछो कितनी अभाज्य संख्या होती है, क्या बताएंगे, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप बताएंगे कितना, 25 अभाज्य संख्याएं होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या बताएंगे आप, कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है, पूरा आपको पता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होती है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि 1 से 50 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या, 15 होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 50 से 100 तक कितनी होती है, तो क्या बताएंगे आप बता सकते हैं कि पूरा 25 होती है, लेकिन 1 से 50 तक कितना, 15 हो गई, तो बचा कितना आपका, यहां से कितना हो गया, 10 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक, अभाज्य संख्याएं होती है, अर्थात आप बता सकते कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 10 होंगी, ये क्या आपका आंसर है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन अगर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, मालूम करें कि कितने छात्र दूध एवं चाय दोनों पीते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कुल छात्रों की संख्या आपको दे दी गई, लेकिन एक जानकारी और, 8 छात्र क्या न तो दूध पीते और न ही चाय पीते, तो सबसे पहले इसको यहां से घटा लीजिए, अगर आप इसको यहां से पूरे में से घटा लेंगे तो कितना ये जाएगा, 46 आपका बच जाएगा, अर्थात 46 छात्र ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, इसमें कुछ चाय पीते हैं और कुछ दूध पीते हैं, ठीक है, 46 छात्रों में क्या है, कुछ 24 छात्र दूध पीते हैं और कितने छात्र चाय पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, तो इन दोनों को क्या करें आप, जोड़ लीजिए, इन दोनों को क्या करना है आपको, जोड़ना है, अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, यहां से कुल कितना मिल जाएगा, अगर जोड़ लेंगे 8 × 4 = 12 हो गया और कितना ये 52 हो गया, ठीक है, आपको ये कितना मिल गया, 52 मिल गया, लेकिन छात्रों की संख्या बची कितनी है, 46 ही तो बची है जो दूध और चाय पीते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या कितनी होगी मुझे, 52 मिली, क्यों 52 मिली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो दूध भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो दूध भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, तो उनकी संख्या पूछा तो करने के आपको यहाँ से घटा लीजिए, तो आपको ये पता चले कितने छात्र ऐसे हैं जो दूध और चाय दोनों पीते हैं, तो यहाँ से घटा लीजिए कितना, यहाँ से 6 हो जाएगा, अर्थात आप बता सकते हैं कि 6 छात्र ऐसे हैं जो दूध एवं चाय दोनों पीते हैं, तो बी ऑप्शन किसका मैच करे। इसमें करने के एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले कुल छात्रों की संख्या आपको दे दी गई और 8 छात्र ऐसे हैं ना तो दूध पीते और ना तो चाय पीते, तो सबसे पहले इसको यहाँ से घटा दिए, बच्चे कितने आपके 46 छात्र बच्चे, इनमें क्या कुछ दूध पीते हैं और कुछ चाय पीते हैं, तो दूध पीने वाले की छात्रों की संख्या दे दी गई और चाय पीने वाले छात्रों की संख्या दे दी, तो करने के इन दोनों को जोड़ के क्या करना आपको, यहां से घटा लेंगे तो आपको ये मालूम पता चले कितने छात्र ऐसे हैं
जो दूध और चाय दोनों पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो 40 दिन में क्या कर सकती है, एक पुस्तक पढ़ी जा सकती है। फिर क्या कहा गया, यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे, आपसे ये पूछा गया। तो 7 पेज पढ़ रहा है, प्रतिदिन पढ़ रहा है, तो ये पुस्तक कितनी दिन पढ़ी जा रही है, कोई पुस्तक कितनी पढ़ी जा रही है, इतनी दिन में पढ़ी जा रही है। तो करने के इसका यहाँ से गुणा कर लीजिए आप, तो यहाँ से गुणा कर लीजिए तो कितना इतना। फिर क्या कहा गया, एक पुस्तक को अगर 8 दिन में पढ़ना हो तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे, आपसे ये पूछा गया। हम लोग मान ले कितने पेज पढ़ने, एक्स पेज पढ़ने होंगे, और कितने दिन में पढ़ना है, 8 दिन में पढ़ना है। अब करने के यहाँ से सॉल्व कर लिया, आपको क्या पता चलेगा, एक्स का मान आपको पता चलेगा। तो यहाँ से 8 × 5 = 40 हो गया, यहाँ से गुणा कर लिया कितना, 7 × 5 = 35। अर्थात आपको पता चल गया कि प्रत्येक दिन उसे यानी प्रतिदिन कितना पेज पढ़ना होगा, 35 पेज पढ़ना होगा। ठीक है, उससे प्रतिदिन कितना पेज पढ़ना होगा, 35 पेज पढ़ना होगा। आपका ये पेज में रहेगा, ठीक है, आपका ये सब किस में रहेगा, दिन में नहीं होकर किस में रहेगा, पेज में रहेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच है, इसमें करने के एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर ये क्या कर, एक दिन में इतना पेज पढ़ा है तो कोई किताब उसे कितने दिन पढ़ ले, 40 दिन में पढ़ ले रहा है। तो पूछा कि अगर एक पुस्तक को क्या 8 दिन में पढ़ना हो तो प्रतिदिन कितने पेज पढ़ना होगा, आपसे ये पूछेगा। तो इनका इनका आपस में गुणा करते हैं, आपको यहाँ से ये चीज मिल जाएगा। तो पूछा कि कितने पेज पढ़ने होंगे, हम लोग मान कितने पेज पढ़ने, एक्स पेज पढ़ने और 8 दिन में पढ़ने। अब करना है यहाँ से सॉल्व करके क्या करना, आपको एक्स मान निकालना और आपको ये क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल इसका नाम दे दिया कितना, जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इसी टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, ये जो आपको 3-4 लाइन दिख रही है, इसको मैं आपको फिगर द्वारा समझाऊं इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैं मान लू कोई टंकी है, मैं आपको क्वेश्चन बस समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर मैं मान लू इसमें कोई नल है और नल का नाम क्या दे, एक्स दिया, अगर नल एक्स को मैं खोल दूं तो ये टंकी को कितने समय भर देगा, ये 5 घंटे में भर देगा। इस टंकी को पूरा कितने समय भर देगा, ये 5 घंटे में भर देगा। एक दूसरा नल है, इसका नाम क्या, वाई है, इसका नाम क्या, वाई है। अगर ये टंकी मैं वाई से भरा हूं तो वाई से कितने घंटे में भर देगा, 10 घंटे में भर देगा। फिर क्या कहा गया है, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को क्या कर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। अगर ये टंकी पूरी भरी हो, टंकी पूरी पानी से भरी हो, एक नल नीचे लगा है, इसका नाम क्या है, जेड है। अब ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और कितने समय में खाली कर देगा, ये 20 घंटे में खाली कर देगा। इससे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, ये 20 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, ये क्या कर, इसको खाली कर रहा है। आप इसको इस तरह से बना लीजिए, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसमें हो क्या रहा है। जो एक्स नल है, अगर केवल एक्स से भरा है तो ये टंकी कितने समय भर देगा, 5 घंटे में भर देगा। अगर ये टंकी मैं किससे भरा हूँ, वाई से भरा हूँ, तो इसे कितने समय भर देगा, ये 10 घंटे में टंकी को पूरा पूरा भर देगा। अब कंडीशन ये हो जा रही है कि अगर टैंक पूरा भरा हो, अगर एक नीचे नल लगा, इसका नाम क्या है, जेड है। अगर जेड को मैं खोल तो इसे कितने समय घंटे खाली कर देगा, 20 घंटे में खाली कर देगा। तो हमसे ये पूछा है कि अगर दोनों नल भरने वाले और ये खाली करने वाले, तीनों नल एक साथ खोल दिए तो टंकी को भरने में कितना समय लगे, आपसे ये पूछा गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें। एक्स जो है कितने घंटे में भरने के लिए कह रहा है, 5 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। जो वाई है, इसे कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 10 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। और जो जेड है, ये क्या कर रहा है, ये खाली कर, आप इसके ऊपर क्या लिख लिए, खाली कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर क्या करें, आप खाली लिख लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कौन भर रहे हैं कौन खाली कर रहे हैं। कितने समय खाली कर सकते हैं, ये 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। अब करने के आपको तीनों का एलसीएम लेना है, अगर आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे, आपको ये पता चलेगा टंकी कितने लीटर की है, टंकी कितने लीटर की है, 20 लीटर की। एलसीएम लेने के बाद करने के इसमें भाग दीजिए, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अगर इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। अगर आप इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, यहाँ से 1 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद आपको ये पता चलता है कि जो नल ए है, टंकी में 1 घंटे में कितना पानी भरा है, 4 लीटर भरा, और जो वाई है कितना भरा है, 2 लीटर भरा, और जो जेड है 1 घंटे में कितना खाली करा, 1 लीटर खाली करा है। अब ये कंडीशन है कि तीनों नल क्या करें, साथ साथ चले, तीनों नल एक साथ चले, मीन्स भरने वाले और खाली करने वाले। तो जैसे ये दोनों क्या करेंगे, मिलकर टंकी में 6 लीटर पानी भरेंगे, वैसे इसमें से क्या कर, 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो टंकी में बचा कितना, 5 लीटर पानी बच गया।
फिर अगला घंटा होगा। तो फिर जैसे ही क्या करेंगे, 5-6 लीटर पानी भरेंगे इसमें से, 6 लीटर टंकी में भरेंगे, वैसे ये वाला क्या कर दे, 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक दिया। तो फिर बचा कितना आपका, 5 लीटर और बच गया। तो इस तरह से भरना कितना मुझे, 20 लीटर भरना है। तो पता करने का तरीका है कि आप इन दोनों को क्या करें, जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ने कितना 6 मिल गया, दोनों में कितना भर रहे हैं और ये इतना खाली कर दिया, तो बचा कितना 5 लीटर आपका बच गया। 1 घंटे में इतना भराया और भरना कितना इतना, आप इससे भाग दीजिए आपको क्या जाएगा आंसर, तो 5 चौको 20। अर्थात आप बता सकते हैं कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 4 घंटे लगेगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पाइप और टंकी मैंने आपको पढ़ा दिया, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन सभी वीडियो को आप देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये जिनको नहीं समझ में आया आप वहां से पूरा देख लेंगे तो आपको ये 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।